वेलकम बैक। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक मिथ गेम की हम शुरुआत करते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं जो बंदर की शक्ल में आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने अध्यात्म को प्राप्त कर लिया है, सादा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन सामने देख रहे हो स्वर्ग के देवता, ये चाइनीज मैथोलॉजी के देवता हैं। इनको इनका सादा जीवन पसंद नहीं आया, ये चाहते हैं देवता कि ये जो बंदर है अमर बन जाए, लेकिन ये जो बंदर है मतलब ये अध्यात्म प्राप्त कर लिया है, ये नहीं चाहते कि अमर बने, ये एक पहाड़ पर अपना सादा जीवन जीना चाहते हैं। तो ये जितने भी देवता हैं इसको लेने आए हैं स्वर्ग की कोर्ट, स्वर्ग की अदालत में इसको, इस बंदर को पेश किया जाएगा। तो देखते हैं ये बंदर गिरफ्तार होता है या फिर इन स्वर्ग के देवताओं की नफरत का शिकार। ये तो बहुत छोटा है यार इनके आगे। ओके, नीचे बादलों पे लड़ाई होगी शायद। क्या सेना लेके आए अपने साथ में, देख रहे हो ये पीछे पेटल बहुत। सिपाही भी अलग तरह के हैं, हमले के लिए तैयार। देख रहे हो भाई ग्राफिक्स। सेफ। द स्क्रिप्चर्स साउंड। All I ever wanted was a life in my mountain, free from you and your so-called merits. जो हमारा वुकोंग है वो खुद कह रहा है कि मैं चाहता था कि मुझे एक सादा जीवन मिले, और जो आसमान में जो बैठे हैं वो मुझ पे भरोसा नहीं करते, इसीलिए इन्होंने इन हरामखोरों को मुझे पकड़ने के लिए भेजा है कि मैं इनकी फिर से गुलामी करूं। But what I don't understand is, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आ रही है। You bastards, killing my kind. तू मेरी क्या कहते हैं उसको, इस साला कुत्ते ने ध्यान भटकाया, मतलब वो बंदा बहुत गुस्से में है नीचे और ऊपर से इस कुत्ते को लड़ने के लिए किसने बुलाया। ओ भाई साहब। Stay back, stupid dog. ओके, अपने कुत्ते को बोल रहा है कि पीछे हट बेवकूफ कुत्ते। या कुत्ते, इसने कुत्ते को बोला या किसी और को, सामने वाले को। He's a monkey of merit. कह रहा है ये कोई आम बंदर नहीं है। Was made Buddha once. ये वो बंदर जिसको बुद्धा ने बनाया था। None other than me can challenge him to a duel. कह रहे हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। Look, monkey. देख मंकी। I don't make a habit of fighting someone I've bested. मेरी आदत नहीं है किसी से बिना वजह झगड़ा करने की। Here's my offer. ये मेरा ऑफर है, अगर तू हारा I'll take you to the तो मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा, अदालत में, and level your mountain. और तू अपना माउंटेन को छोड़ But देगा if I lose, और अगर मैं हारा I shall certainly take revenge, तो मैं आऊंगा और तुझसे वापस बदला लूंगा, और कोई तुझे नहीं बचा पाएगा, ना ही तेरे पर्वत। How tragic would that be, huh? कितना बदकिस्मत है रे तू। We don't need to resort to violence. अगर तू अदालत में जाएगा तो हम झगड़ा नहीं करेंगे। You bend the knees, अपने घुटने पे बैठ जा, अपनी गलतियों को मान, and we can put this behind और हम इन सब चीजों को भूल जाएंगे और तुझे जेल में डाल देंगे। इतने सालों से उस सुअर को छोड़ के तेरी बेवकूफ बातें मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन मजाक अच्छा करता है। Speaking of entertainment, wouldn't it be fun if I pluck your extra? अगर मैं तेरी ऊपर की एक आंख निकाल लूं और तेरी दूसरी भी न छोड़ूं, इसको कोर्ट ले जाने की बात कर रहा हूं।
Those above and that black mutt of yours. इन सभी हरामखोरों को नहीं छोड़ूंगा। आओ सालो। भाई साहब खुली चुनौती। They gave you many chances, yet you spurned each one. Such ingratitude. वो कह रहा है कि हमने तो ये बहुत मौके दे लिए, लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे। इसकी भैंस का ही तो लड़ने लगा मेरे से। ये मैं बचा, मारा जाए। They gave many साला ब्लॉक कर रहा है ये। चल तेरी पहल। ओह माय गॉड। अबे क्या छोड़ रहा है। कहाँ गया कहाँ गया। पीछे से हमला। Victorious fighting Buddha. बहुत अच्छी लड़ाई है। Idea how many would give their everything for immortality? Immortality. ये इसको अमरता का ऑफर दे रहे हैं कि तुझे अमर कर देंगे। All realms and beings have ruined themselves. दफना दे इस अमरता को। Okay. बारी है इसको थोड़ा उलझाने की। ये बहुत देर हो गई। Oh, the celestial court welcomed you, foul monkey, yet you remain untamed. None shall save you now. तेरा मेरे साथ सीधे सीधे चल, नहीं तो कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। Dear brother, मेरे भाई, your edge needs honing. मेरी तलवार की धार जरा कम हो गई है। अब एक कर आए। Open your eyes, monkey. Think you free? So, up, Siri. मुंह पे लगा इसके। आजा इसको फ्रीज करते हैं। फिर से छलावा। ओह माय गॉड, देखो मेरे ही छलावे मार रहे हैं इसको। ओह भाई सारी सेना उड़ गई, ऐसा जोरदार हमला हुआ और एक गोट तो गिर भी गए। सभी गोट्स ने मिलके हमला कर दिया उस पे।
जो जाइंट्स गॉड थे। Foul monkey! बेवकूफ मंकी, मर मेरी तलवार से, उलाड़ी से। अबे एक मंकी के लिए पहाड़ के पहाड़ काट दिए। ओके, ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, मतलब तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, लड़ने की हिम्मत नहीं है, मतलब तो मतलब उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया था, वो मंकी चला गया यहां से पंछी में तब्दील हो गए। लेकिन इसका पीछा कर रहा है वही। ओ कुछ हुआ इसको, इसकी पावर्स को कुछ हो रहा है। भाई साहब क्या हुआ होगा, इस पहाड़ पे गिरे थे दोनों, वो बंदर जो वुकोंग था वो नीचे था। Wukong. A hero who treasured his freedom above all else. Buddhahood he attained, yes, but cumbersome he found the celestial rules, for he yearned to come back and to revel in the simple joys with us. Little did he know his choice to forgo the life above only fueled their mistrust. इस पत्थर में कैद कर दिया गया उसको। वुकोंग इस पत्थर के अंदर कैद है। This stone has stood for countless days on the mountain. काफी टाइम से ये पत्थर इस पहाड़ पे पड़ा हुआ है। They said that his remains lie within it. ये unbegotten, undying, such is the nature of a stone monkey. Though his body was broken, his spirit endures. Into six relics he turned, and separately they escaped, choosing to stay hidden. Okay, China में उसकी जो छह power थी ना, वो पत्थर बनने से पहले वो बिखर गई थी, और China में छह अलग अलग जगह कहीं छिप गई हैं वो जाके। छिपी नहीं है, उस बंदर ने क्या किया होगा वुकोंग ने पत्थर में तब्दील होने से पहले उन powers को, ताकि देवताओं के हाथ न लगे, उसको छिपा दिया। I'm old now. कह रहा मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। Through all the lands, I cannot. मैं भ्रमण नहीं कर सकता, पावर नहीं ढूंढ सकता, ये बुड्ढा कह रहा है। Yet among you, तुम में से there might be one who is destined. जो भी मतलब सही है, वो जाके all his scattered relics, उसकी relics powers को ढूंढ निकालो। And return of the relics to Mount Tuago. और जब तुम ढूंढ के लाओगे उसको, He may yet rise again. मतलब वो दोबारा जिंदा उठ खड़ा होगा वुकोंग। नाइस स्टोरी। तो वुकोंग फिलहाल पत्थर में तब्दील हो चुका है, और उसकी छह पावर्स जो हैं वो अलग अलग चाइना के कहीं भी हो सकती हैं, मतलब डेजर्ट में हो सकती हैं, वाटर में हो सकते, पानी में हो सकते हैं, कहीं भी। तो हमारा चैप्टर वन ब्लैक क्लाउड रेड फायर ये शुरू होता है यहाँ से। तो हमारे जो वुकोंग प्रजाति के, जो बंदर प्रजाति के जो लोग हैं, उनमें से कोई एक बंदे को चुना है उसने, बुड्ढे ने, कि तुम उसकी पावर्स को ढूंढ के लाओ, जो छह पावर हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मतलब मैं उतना पावरफुल नहीं हूँ,
और फिलहाल जंगल का एक सीन, एक सेब पड़ा हुआ है। अरे क्या तू देख सकता है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। पेड़ से गिरा फल मैं खाऊंगा, ये तो मेरा ये था ये। करा तू फल बन के मुझे बेवकूफ बना रहा है। ओहो ठीक है, टारगेट को लॉक करो और इन पे हमला करो। कैसे? कम ऑन बंदरो, क्या तेरी भैंस का। एक और बचा है। ओके इनसे बच सकते हैं। मार। साले खोपड़ी। ठीक है, तो हमारे बंदर के पास फिलहाल है एक पोटली जो फिलहाल ये शायद पत्थर की है या लोहे की, इससे इसकी मतलब खाना पीना खाता होगा। इससे हमें ढूंढनी है वो 6 पावर। चैप्टर 1 आरबी से हम ओके। एक और भेड़ी आ रहा है। यार ये तो बड़ी आसानी से मर रहे हैं भेड़िए जो हैं। ध्यान से, ये कमीने कहीं भी छिपे हुए हो सकते हैं। एक बड़ी कुल्हाड़ी वाला भेड़िया। तो वाई होल्ड चार्ज एंड बिल्ड अप द फोकस एंड हैवी अटैक, होल्ड हैवी अटैक। ओके चल तेरी। जब बुड्ढे उठने रही कुलाड़ी, क्यों मार रहा है। एक चाचा जान आगे बैठा है। क्या है इसमें खजाना? ओके मतलब जंगल में घूम रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी जो हम समझ नहीं सकते, जिनका मतलब भी हमें नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे गेम में हमें पता चलता जाएगा। जरा ध्यान रखना क्योंकि जंगल में छिपे हुए भेड़िए कभी कभी ग्रीन कलर के होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, गिरगिट जैसे। ये गुफा नो। ओके यहां रास्ता बंद है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहां मैंने उन दोनों को मारा था। ओके इस तरफ जाना है। मेरे हिसाब से ये जो रोशनी की जो लाइन है ये मेरा डेस्टिनेशन तक मुझे लेके जाएगी। ओके कोई आवाज आई कि अपना एक बाल तोड़। और बाल तोड़ा तो अगरबत्ती बन गई। Hey, rupo. I, the keeper of Black Wind Mountain, have long been waiting for your arrival. Kya main tera intezar kar raha tha kafi time se, ye buddha mera kaise intezar kar raha hai bhai? His spitting image. I'd say. Up ahead is Guan Yin Temple. Kya upar ek Guan Yin Temple hai? Once
It was bustling with worshippers before it was ruined by that fire. ये आग में जल के खराब हो गया था पहले. देखो यहाँ नीचे हड्डियां भी पड़ी हैं. इसकी आंखें कैसी है यार? Temple was rebuilt. फिर मंदिर को दोबारा बनाया गया. What good is it to rebuild a temple if the goodwill of men has been burnt to ashes? कह रहा है एक मंदिर को बनाने का क्या फायदा जब उसके नीचे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है. You've forgotten this place, but they haven't forgotten you. किसी भेड़िए की आवाज हुई तो बुड्ढा भाग गया. Good luck to you. कह रहा तुझे गुड लक है आगे आने वाली मुसीबतों के लिए. ओके इस बार शील्ड भी लेके आया कोई. ठीक है मार. ओबे ओह माय गॉड एक और उसके पीछे. ओके इनके हमलों से बच के रहना है. एक स्पार्क मिला मुझे. ये क्या है भाई? मतलब लेवल 1 हो गया. नाइस. ये है सांप की छतरी या मशरूम कह सकते हो. और एक बुड्ढे की पूंछ कुछ हिल रही है पानी में, मुझे यहां से दिखाई दे रही है. लेकिन इधर उधर देख लूं कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है. अरे ये बैठा एक, पहले इसको देख लेता हूं. ये पौधा भी ले लेते हैं. पता नहीं इसको इकट्ठा करने का क्या शौक है. ठीक है ये भाई साहब कौन है जो पत्थरों को चुपचाप देख रहा है? ये बंदर है. ओए भाग गया. गायब हो गया बंदर. ये तो मुंडी है किसी पत्थर की, मतलब आदमी का फेस है. क्या था इस पे? स्कैंडल फॉर्म, स्कैंडल एक फॉर्म. ठीक है आगे बढ़ते हैं. ओके एक टेंपल बताया था उसने. ओ माय गॉड ये कौन है भाई? पहरेदार है, बुल गार्ड. ओके ये हमारा पहला विलन. ओए अरे ये तो पर्सनल हो गया यार. मार मत. साले को सर असर ही नहीं हो रहा. ओ माय गॉड मेरे को बहुत जोर से लगी. अबे उतनी हेल्थ नहीं है मेरी जितनी तेरी है मोटे गैंडे. से बच के रहो हराम खोर से. पागल हो गया ये, या तो इसने खाना नहीं खाया कई दिन से. ये मत बचा. इसकी कुल्हाड़ी कैसे छीनू इससे? बुलगाड़ भाई साहब. ओए सोले ने पकड़ लिया. अब इसमें कैसे लाइट जलने लगी? इधर रुक गया एक जगह. बुड्ढा छत पे क्या कर रहा है? इसके टांट पे. अबे तू चला रहा था क्या इसको? It's been a while,
But the immobilized spell still works like a charm. ये बुड्ढे ने किया है. Since you hail from Mount Huaguo, it won't hurt to teach you a handy trick. Now, here we go. Give me your hand. यार अपना हाथ दे मुझे. Okay, मुझे इसने स्पेल्स मतलब जादू, एक जादू सिखाया इसने मुझे, काला जादू जिससे हम किसी भी दुश्मन को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं. There you go. Should you come across any miscreants, just point your finger at them and release this spell. कह रहा उंगली उसकी तरफ करना, हाथ hold them in place while giving yourself a breather. और ये जाम हो जाएंगे और तुझे थोड़ी देर के लिए सांस मिल जाएगी. Mine is but a humble trick. Its power will wear off within a few short moments. कह रहा थोड़ी देर में ये it's good enough against boneheads like this. अनफ्रीज भी हो जाएगा. Anyway, just consider it an ace up your sleeve. Oh, the young boys these days know no manners. बुड्ढे को नाराज कर दिया. Teach him a lesson with your new spell. कह रहा मार इसको साले को. बुड्ढे के सर पे लगती वो. आजा. ओए. एक मिनट पावर लो थोड़ी सी यार. क्या आजा भाई आजा. ऐसे ये बताया ना बुड्ढे ने मुझे. चल लग रहा है इसका. सांड हो गया बिल्कुल. आजा अबे मार दिया. ये उड़ भी गया. ठीक है इसने मेरे गुरु मतलब जो छोटा बुड्ढा उसको परेशान किया था ना इसको मार डाला. आगे बढ़ते हैं. उसने बुड्ढे ने कहा था कि एक टेंपल मिलेगा तुम्हें. ओके अवेकन टैलेंट सर. ओके चलो गाइस ऊपर चलते हैं. ये जंगल तो फैलता ही जा रहा है यार. एक भेड़िया है सामने. चल तेरी प्राण. पानी में भी कोई है मेंढक की तरह सांस ले रहा जो. और दो हैं. ओए होए ये तो सही में मेंढक है. ओ मेरी अबे ये क्या किसने फटा ना ये. हो ये जहर है. देखो पॉइजन वाला मतलब इनको मार के साइड से निकल जाना है तुरंत नहीं तो ये फटेगा और ले डूबेगा. देखो फटेगा ये फटा. उस जहर में नहीं जाना है नहीं तो अपनी हेल्थ डाउन हो जाएगी. जहर का शिकार हो जाएंगे हम. ओहो चाचा जान. ओके क्या बोलते हो आगे बढ़े इस तरफ. साला कौन चल रहा है पीछे. आवाज ऐसे आ रही है जैसे कोई मेरे पैरों के साथ साथ चल रहा है. हाँ तो मैं ढूंढने निकला हूँ मतलब पहली ताकत जो वुकोंग की है सैन वुकोंग की जिसको देवताओं ने पत्थर बना दिया. एक और है छेपा बैठा है. नाइस. ये विल जो मुझे मिलती है इससे पक्का कुछ ना कुछ होता है. तो ये क्या है गाइस.
कि मेडिटेशन की जगह है ये। वाओ, तीन। ये स्पार्क का कैसे यूज कर सकते हैं? ओके गाइस, आप स्पार्क यहां यूज कर सकते हैं अपनी एबिलिटी में। बहुत बढ़िया। जैसे कि स्टैमिना, मार्शल आर्ट, सर्वाइवल। ईच टैलेंट लेवल इंक्रीज मैक्सिमम हेल्थ। मार्शल आर्ट ओके, ये ले लेते हैं। और ये क्या है? मूविंग फॉरवर्ड वाइल यूजिंग स्टार। ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं ये छड़ी चलाते हुए। और ये क्या है? ओके, डोज करते हुए स्टैमिना कम जाएगा हमारा। ये चाहिए। ओके, भागते हुए भी स्टैमिना नहीं लगेगा। ओ नाइस। और अबे खत्म हो गए? चलो ठीक है, मतलब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ये मिलते जाएंगे और हम अपनी स्किल्स को बढ़ाते हुए जाएंगे। सामने एक गुफा दिखाई दे रही है मेरे को। ओके, वंस अगेन, फिर से ये वही मंदिर जहां पे हम अपना गेम सेव कर सकते हैं। वो बुड्ढे ने बोला था अपने एक बाल तोड़ के इसमें लगाओ और रेस्ट कर लो। नाइस, हमारा गेम सेव हो जाता है ऐसे। Hey, witch, you don't think you can just parade in, do you? अगर तुझे लगता है तो ऐसे निकल सकता है यहां से? इतना आसान है जंगल से निकलना? Let me transform you into a golden cicada. मुझे तेरे को कुछ बनाना है scout this mountain unnoticed. ताकि तू बिना किसी की नजर में आए यहाँ से निकल सके। अबे ये तो इसने मधुमक्खी बना दिया। It might be humble, but my shrine is very versatile. You'll get it soon. Okay, बुड्ढा फिर से उस छोटे से मंदिर में चला गया है और इस बंदे को बना गया है एक मधुमक्खी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या इस मक्खी को देख पाएंगे? विंड माउंटेन, देयर आर सीक्रेट्स गैलोर। द सिकाडा फॉर्म दे हेल्प यू एक्सप्लोर। ओके, दिस फॉर्म डज नॉट लास्ट फॉर अ फ्यू जार्स ऑफ वाटर। शुड यू फाइंड योरसेल्फ वंडर। अरे इनको पता ही नहीं चल रहा मतलब मैं इधर उड़ रहा हूं। Off you go. Leave them be. Okay, चलो जंगल में घूमते हैं एक बार मक्खी बन के। देखते हैं क्या क्या यहाँ पे, मतलब दो बंदे वहां मिले, एक आगे खड़ा है। ठीक है, और कोई नहीं दिखाई दे रहा। अबे ये कौन है? शिट, इसी तरफ आ रहा है। वैसे मैं तो मक्खी हूं, मुझे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है। ओए शिट, इस हरामखोर ने तो सूंघ लिया। ओ भाई ये पागल है क्या? हाथ में माला जप रहा है, देखो हाथ में क्या इसके। ओ मार दिया मार दिया मार दिया। इस गंजे को तो नहीं छोड़ूंगा मैं बिल्कुल। ओके, मैं फिर से वापस बंदर बन गया। मक्खी बनाओ चाचा। ओ चाचा मक्खी बना। ओ भाई ये नहीं आ रहा भाई। एक काम करते हैं, चलो खुद ही चलते हैं।
भाई साहब एक ही बार मक्खी बनाई थी उसने। सालो गुस्सा दिला दिया उसने बुड्ढे ने मेरे को। नहीं छोड़ूंगा उसको हरामखोर को, वही नजदीक ही है। वो घूम रहा उधर। ओके मेरे को एक और स्पार्क मिल गया है। एक मिनट मैं कुछ ले लेता हूँ यार, क्योंकि पावर जरूरी है। बुड्ढा बहुत हरामखोर है वो, इससे क्या होगा। ये दे दो दे दो दे दो। कौन आया कौन आया, आजा। इसको मारता हूँ पहले तो, साले को फ्रीज कर देता हूँ। मेरी आंख फोड़ दी चल तेरी पैस का। ओहो ओह ओए ओ, ये क्या मारा इसने। ओए मर गए। हरामखोर बुड्ढा, जालिम बुड्ढा। एक मेरा ये बुड्ढा एक बार मक्खी बना के भाग गया, साला बावली पूछ। ओके काम करते हैं, इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इससे आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। उस बुड्ढे को तो देखूंगा, इस बुड्ढे को भी दूसरी बार आने दो उसको मेरे सामने, इसको बताता हूँ मैं। ओके गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए बैटल वुल्फ गेमिंग चैनल को। थैंक यू।